डियर स्टूडेंट्स, अभी शाम का वक्त है तो वेरी गुड इवनिंग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खुशहाल हैं और पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहे हैं। आज हम बात करेंगे पहले बियर और लैम्बर्ट्स लॉ के सिद्ध करने के बारे में, डेरिवेशन के बारे में, और बाद में मैं आपको और जानकारी दूंगा फोटोमेट्री के बारे में। तो चलो पहले बियर और लैम्बर्ट्स लॉ का डेरिवेशन सिद्ध करें। बियर और लैम्बर्ट्स लॉ के अनुसार टी इज इक्वल टू 10^KCl। इसमें K है जो क्यूवेट में द्रव्य रिएजेंट है उसका विशेष गुण, जैसे पानी का गुण अलग, अल्कोहल का अलग, एसिड का अलग। तो यहाँ हम जो रिएजेंट ले रहे हैं टेस्ट के लिए, स्टैंडर्ड के लिए और ब्लेंड के लिए, वो एक ही तो है। इसके लिए K है एक कांस्टेंट यानी कि स्थिर। फिर L है क्यूवेट का डायमीटर, इसका मतलब है लाइट पाथ। तो लाइट पाथ तो कांस्टेंट ही तो है क्योंकि सेम क्यूवेट आप यूज कर रहे हैं, सिमिलर क्यूवेट आप यूज कर रहे हैं हर एक रीडिंग के लिए। और C है क्यूवेट में जो द्रव्य है उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो टेस्ट का तो कॉन्सेंट्रेशन हमें पता नहीं है, वो है हम बोलते हैं इसको अननोन कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ग्लूकोज आप माप रहे हैं आपको नहीं पता है, और स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन तो आपको पता होता है। जैसे ग्लूकोज डिटर्मिनेशन के लिए आप 100 mg% का स्टैंडर्ड यूज करते हैं। तो अभी क्या करें कि आप सभी बेसिक लॉगरिथम तो सीखे हैं। अभी T इज इक्वल टू 10^-KCl लॉग में रूपांतर करते हैं तो बनता है माइनस लॉग T इज इक्वल टू KCl। और माइनस लॉग T तो आपको पता ही है कि इज इक्वल टू ऑप्टिकल डेंसिटी OD। इसका मतलब है OD इज प्रोपोर्शनल टू C कॉन्सेंट्रेशन। तो टेस्ट के लिए ये फॉर्मूला बनता है OD ऑफ टेस्ट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्ट विच इज अननोन। और स्टैंडर्ड के लिए बनता है OD ऑफ स्टैंडर्ड इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड विच इज नोन। अभी जब ये दोनों इक्वेशन एक साथ जुड़ते हैं तो फॉर्मूला बनता है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट डिवाइडेड बाय ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्ट अननोन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड नोन। तो ये रीअरेंज करके ये फॉर्मूला बनता है कि अननोन टेस्ट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट डिवाइडेड बाय ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। तो ये फॉर्मूला आप कैसे यूज करते हैं कि अननोन कॉन्सेंट्रेशन जैसे ग्लूकोज का आप माप रहे हैं तो आपको ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट आप पढ़ सकते हैं फोटोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर। फिर ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड का रीडिंग भी आप ले सकते हैं फोटोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर। और कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड का तो आपको पता ही है, जो ग्लूकोज के लिए हम 100 mg% यूज करते हैं। तो जो प्लाज्मा में ग्लूकोज है उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये फॉर्मूले के जरिए। तो यह बियर का समीकरण फॉर्मूला सभी क्वांटिटेटिव टेस्ट के लिए, जहां पे पेशेंट के सैंपल्स जैसे सीरम, प्लाज्मा, यूरिन, CSF, इनके घटकों का एक्यूरेट यानी के सटीक मापन करते हैं वहां पर अनिवार्य है। इसके लिए एक सिंपल ग्राफ आप जब भी बनाते हैं एक रंगीत सॉल्यूशन लेके और ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पर रंगीन द्रव्य के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस और वाई एक्सिस पर हर एक का जो ऑप्टिकल डेंसिटी रीडिंग, कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग जो बोलते हैं उसको, वो आप प्लॉट करते हैं। और यदि आप ये सब पॉइंट जो आते हैं ग्राफ पर वो जोड़ते हैं तभी एक सीधी लाइन तैयार हो जाती है।
जहां तक ये सीधी लाइन रहती है वहां तक मर्यादा है ये बियर के नियम का। इसका मतलब बियर का नियम वहां तक ही मान्य है, उसके आगे नहीं। इसके लिए हर एक डायग्नोस्टिक किट में उनका जो पैम्पलेट रहता है अंदर लिटरेचर, उसमें लिखा जाता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं देता हूँ, प्लाज्मा ग्लूकोज का उदाहरण। उसमें ऐसे लिखते हैं जैसे कि ये किट है वो 500 मिलीग्राम तक ही बियर का नियम तय करता है, मान्य करता है। इसका मतलब अगर 500 मिलीग्राम स्टैंडर्ड का रीडिंग है 0.600 और टेस्ट का रीडिंग 0.600 के ऊपर आया तो आपको कैलकुलेशन अभी नहीं करना है टेस्ट को, आपको पानी या सलाइन लेके जो भी सैंपल प्लाज्मा और सीरम आप ले रहे हैं वो पतला करें, मिक्स करें अच्छी तरह से, उसका 1:5 डाइल्यूशन करें, जिसमें एक भाग सैंपल का होता है और चार भाग होते हैं पानी के नहीं तो सलाइन के, और अच्छी तरह से मिक्स करें और वापस टेस्ट करिए, और वापस जो रीडिंग मिलता है उससे ग्लूकोज का कैलकुलेशन करके उसे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ही आपको ग्लूकोज का करेक्ट रीडिंग मिलेगा। और एक बात है कि आपको एग्जामिनेशन में या इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फिल्टर का क्या मतलब है, तो जवाब होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फिल्टर एक विशिष्ट रंग ट्रांसमिट करता है, पास करता है, जो टेस्ट के रिएजेंट में सर्वाधिक मैक्सिमम शोषित एब्सॉर्ब होता है। तो ये कैसा समझता है कि कौन सा फिल्टर कॉम्प्लीमेंट्री है? वैसे तो हर एक किट के साथ में तो वो तो आपको बता ही देते हैं कि कौन सा फिल्टर यूज करते हैं, मगर एक सिंपल सी बात यह है कि एक ही रंगीन द्रव्य का अलग अलग फिल्टर का उपयोग करते ऑप्टिकल डेंसिटी ले, तो जो फिल्टर ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग देते हैं वह सब कॉम्प्लीमेंट्री फिल्टर, मगर बियर के नियम का पालन जरूर हो। और स्पेक्ट्रम में देख के भी आप समझ सकते हैं कि अगर नीला रंग मापना है तो एक्सट्रीम राइट साइड देखो तो लाल रंग का फिल्टर है कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर आप पीले रंग के मापन के लिए आप स्पेक्ट्रम में देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट में जैसे वायलेट ने तो ब्लू कलर नीले रंग का फिल्टर आप यूज करेंगे, और पीले रंग के मापन के लिए पीले ही रंग का फिल्टर इसके लिए नहीं यूज करेंगे कि उससे आपको बहुत ही लो रीडिंग मिलेगा। तो यह है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फिल्टर का। तो आखिर में मैं आपको और एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि लेबोरेटरी के हर एक चीज के विशेषता की स्पेसिफिकेशन की आपको पूरी जानकारी हो। तो अगर आपको प्रश्न पूछा कि कौन सा फोटोमीटर आपने यूज किया है, उपयोग किया है, तो उसकी स्पेसिफिकेशन बताइए, तो आप क्या बताएंगे? मैं एग्जांपल के तौर से आपको बता रहा हूँ कि मैं कहूँगा कि पहले नाम बताइए, एर्मा फोटोमीटर, सिंगल फोटो सेल, एक ही सेल है, सिंगल बीम, एक ही लाइट का रे बीम निकलता है, और इसके 5 फिल्टर्स हैं, वो 5 फिल्टर्स देते हैं एर्मा कंपनी, जैसे कि 470 नीला फिल्टर और 520 हरा फिल्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे हर एक चीज़ की विशेषता आपको नोटबुक में लिखते जाइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण। अगले वीडियो में मैं आपको फोटोमीटर का कैसे उपयोग करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। और आप सभी छात्र इस वीडियो के बारे में अभिप्राय दें और ये वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन दबाइए, तो फिर आपको पता चले कि अगला वीडियो कौन से आने वाला है।
तो आप सभी के लिए मेरे बेस्ट विशेष। थैंक यू।